आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी डिश मूली की चटनी। ये राजस्थान में सर्दियों के मौसम में ये डिश बहुत पसंद की जाती है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है रोटी के साथ। तो आइए हम ये रेसिपी बनाते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने 4 से 5 मूली ली हैं छोटी छोटी, 2 टमाटर लिए हैं और कुछ मसाले लिए हैं, लाल मिर्च है खड़ी और ये तिली है सफ़ेद वाली थोड़ी सी 1 चम्मच, चने हैं सिके हुए और ये है लहसुन 4 से 5 लहसुन छिले हुए और दाल है उड़द की, इसको मेरे पे छिलके वाली दाल थी इसलिए मैंने छिलके वाली ली। आप बिना छिलके वाली भी ले सकते हैं, वो चने की दाल भी इसके जगह ले सकते हैं। कुछ मसाले हैं, धनिया है, लाल मिर्च है, सौंफ है, जीरा है, हल्दी है और ये टमाटर और मूली। तो आइए हम चटनी बनाते हैं। सबसे पहले हम किसनी लेंगे, इस किसनी से मूली को कद्दूकस कर लेंगे। तो मैं इसको काट रही हूँ मूली को और इस तरीके से इसको किस रही हूँ कद्दूकस करके, फिर हम चटनी बनाएंगे। ये देखिए हमने मूली को कद्दूकस कर लिया है और ये मैंने टमाटर भी काट लिए हैं। एक कढ़ाई में ऑयल डाला है 1 चम्मच ऑयल और हम तेल को गरम होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे हम जीरा 1/2 चम्मच, सौंफ 1/2 चम्मच और अब इसमें हम डालेंगे मिर्च, 2 मिर्च डाल रही हूँ खड़ी हुई लाल मिर्च। अब इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल, आपके पास खड़ा धना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था अभी। और दाल 1/2 चम्मच दाल। अब इन सबको हम मिलाएंगे तरीके से, अच्छे से हमें सेकना है। अब इसमें डाल रही हूँ चना, इसको भी मिलाना है अच्छे से। और अब डाल रहे हैं लहसुन की कली जो हमने छील के रखी हुई थी, इसको भी तलना है इस तरीके से। और अब हम डाल रहे हैं 2 टमाटर कटे हुए, इसको भी हमें अच्छे से चलाना है। हमारे टमाटर अच्छे से गल रहे हैं देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार अपने, और हमें अच्छे से टमाटरों को गलाना है। और अब हम इसमें थोड़ा सा मसाला डाल देंगे, लाल मिर्च है, थोड़ी सी धना है और थोड़ी सी हल्दी पाउडर है। अब इसको भी हमें अच्छे से मिलाना है और इनको थोड़ा हमें टमाटर हमारे गल जाए जब तक हमें इसको पकाना है। हम इसमें मूली डालेंगे, हमारे टमाटर पक रहे हैं ये देखिए। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, कुछ थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डालेंगे हम। और इसको हम थोड़ी सी देर के लिए 1 मिनट के लिए ढककर, ये देखिए हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे इस तरीके से, और अब हम इसमें मूली डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिलाएंगे हम। तो भी अभी हमें 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए इसको भी पकाना है हमें। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं, अब इसको हम ठंडा करेंगे। ये देखिए अच्छे से हमारी मूली टमाटर सारी जो डाले थे सारे हमारे मटेरियल जो पक चुके हैं। अब इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हमें अब ठंडा करना है। ये देखिए
हमने एक कढ़ाई में से एक बॉयल में निकाल लिया है ये मूली का जो सारा सब्जियां जो भी चीज सामान था और वो अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे, एक मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और फिर ग्राइंड करके फिर हमें एक चीज़ और रह गई है वो है बघाड़, तो उसको बघाड़ लगाएंगे। देखिए हमारी मूली की चटनी बनकर तैयार है। अभी इसमें हम छौंका भी देंगे और अच्छी महक भी आ रही है और हमारी चटनी तैयार भी है बनकर। ये देखिए हमने एक कटोरे में निकाल लिया है इसको चटनी को। अब इसमें हम तड़का देंगे। तड़के के लिए हम एक कलछी लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कुछ थोड़ा सा गरम करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा जीरे डालेंगे। तड़के के लिए हमें जीरे डालना है बिल्कुल आधी चम्मच से कम। ये है मीठी नीम और ये है मिर्च, तो हम ये नीम डालेंगे, मीठी नीम मिर्च डालेंगे, इसमें थोड़ी सी इसको हम हिलाएंगे इस तरीके से और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे इस तरीके से, देखिए। और अब हम इस तड़के पे गैस को ऑफ कर देंगे और इस तड़के पे इस तरीके से डाल देंगे। सारा हमारा जो तड़का इसमें चटनी में लग चुका है, ये देखिए इतनी स्वादिष्ट बनी है कि इसको बस टेस्ट करना है और देखना है। इसमें महक तो बहुत ही अच्छी आ रही है और ये चटनी आप ज़रूर रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा ज़रूर ज़रूर और आप लोग खाइएगा। ये देखिए हमारी राजस्थानी चटनी बनकर तैयार है। ये राजस्थान में बहुत खाई जाती है सर्दियों के मौसम में और ये बहुत ही टेस्टी होती है, रोटी के साथ टेस्टी लगती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइए।